पहले अगर देखिए टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर के 5 सेकंड तक, जीरो से अगर 5 सेकंड तक, मैंने बताया होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ये तो बता दो, तो जीरो से लेकर 5 सेकंड तक के लिए देखिए तो क्या v प्रोपोर्शनल टू t है, जीरो से 5 सेकंड तक के लिए देखे तो v जो है वो प्रोपोर्शनल टू t है, यानी v को अगर लिखेंगे ds by dt प्रोपोर्शनल टू किसके t, तो यहां से क्या आएगा s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यही आएगा। हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ड्रॉ करना अपने को, s प्रोपोर्शनल टू अगर t स्क्वायर है तो दो तरीके का कर्व था पॉसिबल था यहां पे, ये हमने x एक्सिस पे टाइम ले लिया और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले, ठीक है। s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर के लिए दो तरीके का कर्व पॉसिबल है, ये वाला एक तो या तो ये हो सकता है या फिर ये वाला कर्व कब बताया था, जब इंक्रीजिंग हो, यानी जब अगर एरिया पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, उस समय ये वाला पार्ट, और ये कब, जब एरिया नेगेटिव हो यानी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा हो, इसी के लिए इसके लिए ये वाला ड्रॉ करते हैं। तो पहले पार्ट के लिए जब जीरो से लेके 5 सेकंड तक जाएंगे तो उस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का रहे, ऐसा कर्व रहेगा, ये कब तक के लिए t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक के लिए होगा, ठीक है। अब एक बार देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस वाले का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस वाले का एरिया कितना, तो अगर 0 से 5 सेकंड तक के लिए देखें तो एरिया क्या आएगा, 1/2 इनटू बेस इनटू किसके, बेस इनटू हाइट, यही आएगा, बेस कितना होगा 5 और हाइट किसके बराबर है 25, ये कितना आ जाएगा 125/2 मीटर के बराबर, यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो 125/2 मीटर के बराबर। कितने लोगों का यहां तक सही है ये बताओ, कितने लोगों का ये वाला पार्ट सही था बेटा, सभी रिप्लाई करना, कितने लोगों का यहां तक सही है 125/2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर्व एएसआई बनाया होगा। अब इसके बाद देखो, t इक्वल्स टू 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक के लिए देखें तो ये कर्व का, ये जो कर्व दिया हुआ अपने को, इसका इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा रहता है, तो v प्रोपोर्शनल टू माइनस t, हां कि ना, इस वाले पार्ट के लिए कर्व का जो इक्वेशन रहेगा वो किस फॉर्मेट का होता है, v प्रोपोर्शनल टू माइनस t, यानी फिर से लिखेंगे ds by dt प्रोपोर्शनल टू माइनस t, यानी s प्रोपोर्शनल टू माइनस t स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू माइनस t स्क्वायर के लिए दो कर्व बताया था मैंने, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, यही दो कर्व था। अब एक बार देखो, ये वाला कर्व किसके लिए था, डिक्रीजिंग, यानी एरिया क्या होगा नेगेटिव, ये वाला इंक्रीजिंग के लिए, यानी जब एरिया पॉजिटिव हो। तो अब एक बार देखो, यहां पे 5 से लेके 10 सेकंड तक की बात करें तो एरिया कैसा है, पॉजिटिव, यानी कौन सा कर्व आएगा, ये वाला, तो कर्व जो ड्रॉ करेंगे इसके बाद वो कौन सा आएगा, कुछ इस तरीके, ठीक है, ये वाला आएगा, ऐसा कर्व आएगा। अब एक बार देखो, इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया जो निकालेंगे 1/2 इनटू बेस किसके बराबर 5 से 10 सेकंड यानी 5, और हाइट किसके बराबर होगा, तो ये 25, तो ये कितना आएगा 25 × 5/2, यानी फिर से 125/2, ये इस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस टाइम इंटरवल का है, यानी 125/2 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी किसके बराबर, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 250/2। कितने लोगों का सही था यहां तक, कितने लोगों का सही था यहां तक, चलो अब लास्ट पार्ट देखें, तो देखो यार इस वाले पार्ट के लिए भी फॉर्मेट क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू माइनस t, फिर से फॉर्मेट इक्वेशन यही आएगा, लेकिन ये वाला एरिया कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है, यानी ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला कर्व होगा, तो यहां से अगर देखें
तो ये कर्व जो आएगा इसके बाद कुछ इस तरीके का आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कर्व जाएगा कहां तक। हो सकता है यहां तक आए, यहां तक किस पॉइंट तक जा रहा है, उसके लिए हमें ये डिस्प्ले इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया कितना, 1/2 इंटू बेस कितना 5 और हाइट किसके बराबर 30, यानी ये किसके बराबर आएगा 15 × 5 कितना जाएगा 75 मीटर के बराबर। ये जो है ये लगभग 125/2 देखो तो 125 लगभग 62 के आसपास कुछ ऐसा आएगा, ये आ रहा है 75, यानी ये यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है उससे थोड़ा नीचे तक आएगा और कितना डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ, तो 75 मीटर। तो यहां से 75 डिग्रीज होगा, ये जो पॉइंट होगा वो इससे 75 नीचे की तरफ, यानी ये कितना होगा 250/2 − 75, यानी एक तरह से देखिए तो 250/2 किसके बराबर, तो ये आएगा 125, ठीक है, और माइनस 75 किसके बराबर आएगा 50 मीटर के बराबर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 50 मीटर। ये बताओ बेटे थर्ड पार्ट तक कितने लोगों का सही, क्लियर है 50 तक, थर्ड पार्ट ये कहां तक आएगा 50 मीटर। एक बार देखो अगर एरिया सेम होता तो ये जो लाइनिंग रहती वो यहां तक आता, लेकिन ये कितना आ रहा है 75 मीटर आ रहा है, तो 75 के केस में ये क्या होगा इससे थोड़ा और नीचे की तरफ आएगा। कितने लोगों का ये थर्ड पार्ट भी सही है ये बताओ बेटा, कितने लोगों का ये थर्ड पार्ट भी सही है। चलो यार अब एक बार बताओ कि आप इस तरह का जो भी कर्व दिया रहे, ग्राफ का कर्व का जो भी कन्वर्जन रहेगा, जैसे मान लो मैंने वेलोसिटी टाइम ये वाला कर लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कर लिया, एक मैं एक्सेलरेशन टाइम का कर्व दे रहा हूं आपको, ठीक है, उस केस में आपको वेलोसिटी टाइम भी बनाना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कर्व बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा। जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम का कर्व दे रहा हूं वो उसमें ड्रॉ क्या करना रहेगा आपको, वेलोसिटी टाइम का कर्व और एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व। एक पार्टिकल का ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये हमारा एक्सेलरेशन है ए और इस एक्सिस पे टाइम है टी, ये अपना सेकेंड में है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यहां पे एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का, तो क्लास पहले से अटेंड कर रहा ना, ये कल अटेंड किया ना तुमने, ये कर क्लास कर सर जी, लास्ट में वो नेट चला गया था, अरे तो लास्ट में नेट चला है, लास्ट मिनट चला गया मतलब सर मतलब क्लास बंद हो गई थी ना, क्वेश्चन नहीं देख पाया था उम्र पर, सही टाइम से नहीं देखा था। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। इसमें आपको ड्रॉ क्या करना है, एक तो वेलोसिटी टाइम और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ड्रॉ करना, एक वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करना और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, ये आप ड्रॉ करके लाना घर से, ठीक है। चलो यार अब एक बार देखते नेक्स्ट, अब हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक दो सवाल और बेटा होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, तो पहले ये करके लाओ फिर एक सवाल और होमवर्क दूंगा, एक दो सवाल ऐसे करेंगे अपन। चलो यार अब नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी बेसिकली ये हमारा 2D मोशन है, ठीक है। ये अपना देखो यार एक बार जो 1D मोशन था वो हमने खत्म कर लिया, ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे 2D मोशन। तो पहले एक बार देखो यार इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले, देखो आज तक जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन पढ़ रहे थे तो वो मोशन कैसा था कि हो सकता है कि एक ब्लॉक जो रहा ब्लॉक हो, कार हो या कोई भी पर्सन हो, तो वो एक डायमेंशन में मूव कर रहा था, एक डायमेंशन में मूव कर रहा है मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था। ध्यान से देखना यहाँ पे एक जनरल थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है लेकिन वो भी अपन क्लियर करेंगे, पहले एक बार ढंग से देखना चाहिए कि 1D मोशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल, अभी तक हम लोग यही चीज देख रहे थे कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था,
ज्यादा हुआ तो पार्टिकल आगे मूव किया और थोड़ी देर बाद लौट करके आना शुरू कर दिया, यही होता था। या हो सकता है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो इस तरह के स्ट्रेट लाइन पाथ पे। या नेक्स्ट एक देखा था जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या करते थे, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो ये बॉल क्या होता था ऊपर की तरफ जाता था फिर वापस लौट के उसी पाथ पे वापस लौट के आता था, ठीक है। तो जो भी हमने मोशन देखा, या मान लो सपोज पार्टिकल को नीचे की तरफ ऊपर से किसी एच हाइट से थ्रो कर दिया अपने, या ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो जो भी मोशन होता था उन सारे केस में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल का मोशन कैसा रहता था, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन था। या इस वाले केस में गया इसी पाथ पे वापस आया इसी पाथ पे, ज्यादा हुआ तो पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे चला गया, लेकिन पाथ कैसा रहता था स्ट्रेट लाइन, इस डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। या फिर बॉल को थ्रो किया ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है वापस लौट के आ रहा है, या किसी एच हाइट से थ्रो भी किया हमने तो वो भी उस केस में भी बॉल गया है ये सीधे सीधे इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा। तो ये हमारा जो मोशन था वो 1D मोशन था, ये हमारा कौन सा था 1-dimensional मोशन, ठीक है। लेकिन अब जो मोशन हम लोग डील करने जा रहे हैं उस केस में पार्टिकल जो होगा वो एक प्लेन में मूव करेगा, और कैसे पाथ पे, तो किसी कर्व पाथ पे मूव करेगा। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा तो ये प्लेन में, प्लेन का मतलब क्या होगा, जैसे ये बोर्ड का प्लेन हो गया या ये ग्राउंड का प्लेन हो गया, ठीक है, उस केस में किसी एक कर्व पाथ पे मूव करेगा। मान लो एक पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है, या एक अगर मान लो हमने एक बॉल को अगर थ्रो कर दिया इस तरह से किसी थीटा एंगल पे, जैसे मान लो अगर क्रिकेट के फील्ड में या फुटबॉल में हम लोग जैसे ही बॉल को किक करते हैं या बॉल को हिट करते हैं तो ये बॉल कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो ये जो बॉल का जो मोशन है वो इस प्लेन में मूव कर रहा है, और कैसे पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे। या मान लो अपने पास हमने देखा कि ये पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये भी कैसा है, किसी एक प्लेन में ही मूव कर रहा है। मान लो एक आदमी अगर दौड़ रहा है तो ग्राउंड पे ही दौड़ेगा, किसी मान लो सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, ये प्लेन में मूव कर रहा है। और दूसरी बात कैसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, ये भी कैसा एक कर्व पाथ है, ये भी कैसा एक कर्व पाथ है, और ये भी कोई एक इन जनरल कर्व पाथ ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सारा जो मोशन होता है इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, 2-dimensional मोशन। 2-dimensional मोशन का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल एक प्लेन में कैसे पाथ पे मूव करे, कर्व पाथ पे मूव करना चाहिए, कैसे पाथ पे, कर्व पाथ पे मूव करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं इस बोर्ड के प्लेन में अगर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में मैं अगर ऐसे पाथ पे जा रहा हूँ, ये कौन सा मोशन हुआ, 1-dimensional मोशन या 2-dimensional। मान लो एक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, एक इंसेक्ट सपोज इस बोर्ड पे इस वाले स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलना शुरू कर दिया ऐसे पाथ पे, ठीक है भाई, ये 1D हुआ या 2D हुआ, 1D, ये कौन सा हुआ, ये हमारा 1D हुआ या 2D, 1D मोशन हुआ। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो है वो कैसे पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। 2-dimensional मोशन का मतलब क्या होना चाहिए कि पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करे, एक कर्व पाथ पे मूव करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे पाथ पे मूव कर रहे हैं, या पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये सारा मोशन कैसा हुआ, 2-dimensional मोशन। ये मोशन भले ही एक प्लेन में हो लेकिन ये हमारा कैसा है, 1D मोशन। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो वो 2D हो गया। 2D होने के लिए जरूरी क्या है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होना चाहिए, एक कर्व पाथ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। 2D मोशन क्या होगा कि इफ अ पार्टिकल, लिख लेते हैं इसके बारे में, पहले हम लोग देख रहे हैं 2D मोशन के बारे में, 2-dimensional मोशन, पहले इनको डील करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरह से डील करना है। क्या लिखेंगे कि इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ, मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन, then motion of
दैट पार्टिकल मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन को मैंने ऐसे लिखा 2D मोशन। नोट करो उसको। चलो यार एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं कि मान लो एक पार्टिकल जो है, अगर मान लो हमने एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ये कुछ इस तरीके से किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे जाता है, चाहे बॉल को किक करो या फिर बॉल को हिट करते हैं अगर क्रिकेट में, तो ये भी पार्टिकल बॉल का मोशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, एक 2D मोशन। मान लो अपने पास ये हमारा जो एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये भी कैसा हो गया, 2D मोशन। तो बेसिकली देखो यार, दो तरह के हमें 2D मोशन के बारे में पढ़ना है। ये जो पार्ट होता है, ये जो मोशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो हमारा होता है सर्कुलर मोशन। ये दोनों 2D मोशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, ये तो एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारे 2D मोशन के। पार्टिकल कैसे पाथ पे कैसे मूव करना चाहिए, किसी एक कर्व पाथ पे मूव करना चाहिए और किसी प्लेन में। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कौन सा होगा, 2D मोशन। चलो अभी एक बार देखो यार, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि मान लो अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, जो एक थोड़ा सा जो जनरल कंफ्यूजन रहता है उसके बारे में अगर देखें, कि मान लो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने दे रखी है 2i cap + 3j cap। ये जिनको नहीं पता, थोड़ा i और j है क्या, तो देखो यार हमने क्या ले रखा है, यूनिट वेक्टर इधर के x एक्सिस में हमारा क्या होता है, और y एक्सिस में, x में हम लोग यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, y में हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, j कैप। अब एक बात बताओ, एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये 2i cap + 3j cap, ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा मोशन का एग्जांपल हुआ, 1D या 2D, ये कैसा मोशन हुआ। एक पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने दे रखी है 2i cap + 3j cap, ये 1D हुआ या 2D हुआ, कैसा मोशन हुआ ये, 1D या 2D, कैसा हुआ। ये i cap j cap के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, कहीं तो देखा होगा, x एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i cap, y एक्सिस के लॉन्ग j cap। ये कौन सा एग्जांपल हुआ, 1D या 2D, कितने लोग बोल रहे हैं 1D, और कितने लोग बोल रहे हो 2D। जो भी लगे एकदम बेंचक बोलना, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है अपने को यहाँ पे। चलो देखो यार, यही चीज कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग देखते हैं कि यार एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 2 ये अपने पास आई कैप है, जे कैप है, यानी पार्टिकल का मोशन कैसा हो गया, 2D। लेकिन ये जो मोशन है बेटा, ये कैसा होता है, 1D मोशन होता है, ध्यान रखना। ये पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है, 1D मोशन। बिल्कुल यहां से देखते हैं कैसे 1D मोशन हुआ। एक बार देखो, मान लो ये हमने लिया x एक्सिस, ये हमने ले लिया y एक्सिस। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 2i cap + 3j cap, ठीक है। यानी एक बात बताओ, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ या ना, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक बात देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किसके बराबर, तो x component का square + y component का square, ये पता है सभी को, x component का square + y component का square कितना हो जाएगा, 4 + 9 कितना हो जाएगा, √13। अब एक बार सोचो कि अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ कि √13 m/s है और वो कांस्टेंट है, पार्टिकल कैसे पाथ पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व, कैसे पाथ पे जाएगा। यार इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कितना है, √13 m/s। तो एक पार्टिकल की जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल कैसे पाथ पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ पे। यार एक बात बताओ, मेरी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मैं अगर 10 m/s के कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करूं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है मेरा, तो उस केस में मेरा मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे।
अगर मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली मैं कैसे पाथ पे जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, हाँ कि ना। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा हूँ भले ही प्लेन में जाऊं तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, 1D का। कैसा होगा ये 1D, ये वाला 2D मोशन नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ आया सभी को? अब एक बात देखो, चूंकि हमने सर बोलोगे कि सर ये फिर आई और जे में ब्रेक किया क्यों, तो देखो यार मान लो जो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर ये 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इधर की तरफ x एक्सिस ले लो, इधर की तरफ y एक्सिस, हाँ कि ना। तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिधर भी x एक्सिस ले लो जिधर भी y एक्सिस लो, बस ये होना चाहिए कि x और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ये होना चाहिए, मैं ऐसे ले लू। अब एक बार देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा मोशन कैसा 1D। मैं अभी भी अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालूं तो एक x कंपोनेंट आएगा एक y कंपोनेंट, हाँ यार अभी भी मैं निकाल सकता हूँ भाई, एक x कंपोनेंट लिख सकता हूँ और एक y कंपोनेंट, मैंने x एक्सिस इधर ले लिया y एक्सिस इधर ले लिया। तो ये जो 2i कैप प्लस 3j कैप है ना, पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है और हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया है कि एक्स और वाई एक्सिस लेकर के उसमें ब्रेक कर लिया, √13 को हमने क्या किया, एक इधर की तरफ x एक्सिस ले लिया इधर y एक्सिस, और पार्टिकल का मोशन हमने x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया ताकि हमें डील करने में आसानी रहे, हमें समझ में आ जाए कि हाँ यार इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है और इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप चाहो तो पार्टिकल अगर ऐसे पाथ पे जा रहा है उसको भी आप चाहो तो x और y में ब्रेक कर लो, लेकिन ये मोशन होता कैसा है, 1D मोशन। तो ये जो ब्रेक किया हुआ है हमने i और j कंपोनेंट में, वो बेसिकली हमने अपने लिए ब्रेक किया है x और y कंपोनेंट में कि x में कितना है y में कितना है। क्या ये क्लियर हुआ सभी को कि ये लिखा हुआ है भले 2i का प्लस 3j का, लेकिन फिर भी पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, 1D मोशन। क्लियर याद है सभी को? हाँ चलो अब एक और बात देख, मान लो अगर किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी हुई है वो दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये बताओ 1D मोशन, 2D मोशन, या इसके बारे में बोलोगे 3D मोशन, 1D, 2D या 3D, ये बताओ 3D। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 1D, 2D या 3D, बेटा सभी अपने अपने चैट बॉक्स में लिखो 1D, 2D या 3D, कौन सा है, 2D कौन सा है, कितने लोग बोल रहे हैं 1D, कितने लोग बोल रहे हैं 1D, 2D, 3D। चलो बेटा ये वाला भी मोशन तो 1D ही हुआ ना यार, यार ये मोशन भी कौन सा हुआ, ये भी 1D ही है। ये आदमी या ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेस में जा रहा है, मतलब स्पेस इन द सेंस कि जैसे मान लो हमने एक्स वाई जेड लिया तो इधर की तरफ कहीं जा रहा होगा, हमने उसको क्या कर लिया, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, पहले इसलिए डेफिनेशन क्लियर किया मैंने कि पार्टिकल के का मोशन अगर 2D है तो 2D के लिए जरूरी क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो कंपोनेंट हो जाए, कि पार्टिकल का पाथ कैसा होना चाहिए, कर्व पाथ होना चाहिए। ये पार्टिकल की क्या वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट, ये बताओ क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ कि ना। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट तो पार्टिकल कैसे पाथ पे जाएगा, ये क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बोलो सब पता है इससे कांस्टेंट, ये लो ना भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसके बराबर, 3a² + 4a² प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। चलो जो i कैप j कैप भी कांस्टेंट होता है, हां i कैप j कैप और k कैप तो अपना x y z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि x में उसकी वैल्यू कितनी है, y के लॉन्ग कितनी है और z के लॉन्ग कितनी है, ये वैल्यू तो यूनिट वेक्टर है, ये तो चेंज होना नहीं। मैंने बोला कि पार्टिकल की वेलोसिटी यही है, तो इस केस में भी पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से क्या है भाई, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया यानी पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, हाँ कि ना। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो वो कौन सा मोशन होगा, 1D मोशन। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये भी किसका एग्जांपल है भाई, 1D मोशन का। तो ये आप लोग आई जे के ये देख करके आप ये डिसाइड मत करना
कि 1D है, 2D है, 3D है, वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव कर रहा है। अगर फॉरवर्ड पाथ पे मूव करेगा तो 2D होगा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो 1D मोशन। क्लियर हो गया ये चीज, 1D 2D का चक्कर। पहले ये बताओ भाई, 1D 2D के बारे में सभी को क्लियर? हां बेटा, 3D क्या होता? 3D भी होगा। अगर मान लो अपने पास कर्व पाथ में अगर उसके साथ जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी आ जाए तो जब आ जाए, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? हाँ ना, ये चीज क्लियर हो गया सभी को। अब जैसे मान लो प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसे कर्व पाथ में ऐसे जा रहा है, उसके साथ जेड भी आ जाए, प्लेन में कर्व पाथ में मूव भी कर रहा है और वो तीसरी एक्सिस के लॉन्ग भी। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे मोशन को डील कैसे करते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया कि भाई हमारा 2D मोशन कौन सा है, अब हम लोग देखेंगे कि इस 2D मोशन को कैसे डील करेंगे। पहले वो डील करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल पे आएंगे, ठीक है। 2D मोशन को कैसे डील करना है वो चीज देखते हैं हम लोग। तो देखो, मान लो एक पार्टिकल जो है, ये हमने पहले तो ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमारा ले लिया हमने दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है भाई। एक पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे कर्व पाथ पे पार्टिकल मूव किया, किसी टाइम टी पे या टी इक्वल टू जीरो पे मान लो वो इस पॉइंट ए पे है और टी टाइम के बाद वो पार्टिकल इस पॉइंट बी पे है। ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, मोशन कैसा? 2D मोशन। यहां से अगर देखे, इसका ये कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा और ये कोऑर्डिनेट कितना, तो x2, y2 होगा, ठीक है भाई। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना, x1, y1। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना, x2, y2। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर, और ये इसका पोजीशन कौन सा हो गया, r2 वेक्टर, ठीक है। t = 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और t = t टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। उस समय वो x1, y1 पे था, यहाँ पे x2, y2 पे है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो क्या होगा, कि यही डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ कि ना। अगर पार्टिकल ए से लेकर के बी तक पहुंचा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? ये चीज क्लियर है सभी को? अब एक बात देखो, यहां से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, इन दो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर देखिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट। यहां से क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर, ये लिखेंगे। यानी डेल्टा r2 वेक्टर जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा r वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इक्वल्स टू किसके बराबर, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? क्लियर यहां तक? डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब एक बार देखो, मैं अगर r1 वेक्टर लिखना चाहूं तो r1 वेक्टर हमारा क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यही आएगा, हाँ है ना। पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। r2 वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप के बराबर, हाँ कि ना। पार्टिकल का अगर दूसरा r2 वेक्टर में लिखो तो वो किसके बराबर, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। आप सभी ने पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, पोजीशन वेक्टर, एक कोऑर्डिनेट तो पता होगा सभी को, जैसे 3, 4, 4, -5 ऐसा लिखते हैं। तो एक बार देख लो, जैसे हमने अगर लिया, जैसे एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस, मान लो मैं बोलता हूँ 3, 4 पे एक पार्टिकल, तो 3, 4 कौन से कोऑर्डिनेट में, इधर की तरफ, यही आएगा। तो ये पार्टिकल का 3, 4 क्या बताता है अपने को, कि एक्स एक्सिस में वो 3 मीटर की दूरी पे है और वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे, 4 मीटर पे, हाँ क्यों, यही बताता है पार्ट। तो एक ऐसा वेक्टर हम लोग देखते हैं जो कि इस पार्टिकल का पोजीशन कहां से बता सके, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता सके, तो यही हमारा कौन सा होता है, पोजीशन वेक्टर। और इसको क्या लिखते हैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, एक्स के लॉन्ग कितना 3, तो 3 आई का, वाई के लॉन्ग कितना 4, तो प्लस 4 जे का, मतलब समझ आया इसका। x1 y1 अगर है
तो ये क्या है, x एक्सिस में x1 है, y एक्सिस के लॉन्ग y1 है, तो क्या लिखेंगे, x1 i cap plus y1 j cap, r2 को क्या लिखेंगे, x2 i cap plus y2 j cap। अगर मान लो मैंने बोला कि एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस टू कॉमा थ्री, यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड, माइनस टू कॉमा थ्री इधर की तरफ ही आएगा। अब एक बार देखो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, समझ आ गया चीज। तो यही हमने लिखा कि पार्टिकल का जो पहला जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, दूसरा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अब एक बार देखो, अब यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर ठीक है इस वाले पार्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना हो x1 y1 के टर्म में तो क्या लिखेंगे, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये लिखेंगे। यहां से अगर लिखे तो कितना आएगा, i कंपोनेंट अगर ये देखे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये हमारा है किसकी वैल्यू, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू, यानी हम अपने पास डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब एक बात बताओ, ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्या है, अपने ये बताओ, ये जो हमने निकाला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये क्या है अपना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, क्या है ये, क्या ये बोल सकते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन ये होगा और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, हाँ है ना, यही होगा कि x2 माइनस x1 क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, y2 माइनस y1 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और ये हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब एक बात पहले ये बताओ, जब आपने x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट निकालना था अपने को, तो क्या y के बारे में हम सोच रहे थे क्या, हाँ यार, जब हमें x के डिस्प्लेसमेंट, x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो क्या हमने y में कितना चेंज आया वो सोचा क्या, हाँ कि ना, हमने अगर जब भी अगर x का डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, x2 माइनस x1, y में कितने का चेंज आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब अगर y में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, उस समय हम x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, हाँ या ना, ये बताओ, ये चीज क्लियर हुआ पहले, कि जब भी अगर x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो x2 माइनस x1, y का y2 माइनस x1, इन दोनों में कोई अपना रिलेशन नहीं है, जब आप x के लॉन्ग देखोगे तो सेपरेटली x को डील करोगे, y को देखोगे तो सेपरेटली y को डील करोगे। मतलब एक बात देखो कि मान लो एक आदमी 3.2 से कहां तक गया, 6.9 तक गया, बताना जरा x में कितना डिस्प्लेस हुआ, x में कितना डिस्प्लेस हुआ ये बताओ, x में कितना डिस्प्लेस हुआ 3 मीटर, और y में कितना, y में कितना 7 मीटर। अब एक बात बताओ, क्या जब हमने x की डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा या हमें x डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमने y वाले के बारे में कुछ सोचा, y कोऑर्डिनेट के बारे में सोचा, नहीं सोचा। ये जब हमें y वाला निकालना था तो क्या x वाले के बारे में सोचा, नहीं सोचा। तो ये क्या बताता है कि टू डायमेंशनल मोशन को डील करने का क्या तरीका रहेगा, कि आप ये x एक्सिस का मोशन अलग डील करो, y एक्सिस का मोशन अलग डील करो, यही मेन कॉन्सेप्ट अपना ये समझने का, कि जब आप 2D मोशन से जब भी डील करोगे आपको क्या करना है, x डायरेक्शन का मोशन जब डील करोगे तो बिल्कुल केवल x डायरेक्शन की क्वांटिटीज देखोगे, जो y वाली देखोगे तो केवल y वाली देखनी है, दोनों के एक दूसरे को मिलाना नहीं। हम ये बोल सकते हैं एक तरह से कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, x का अपना y का अपना, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब x के अलोंग कोई भी चीज देखनी हो तो हमें सिर्फ x एक्सिस के अलोंग की क्वांटिटी देखनी है, y के अलोंग जो भी निकालना हो तो हमें किसके बारे में देखना होगा, y के अलोंग वाली क्वांटिटी को, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल सॉरी 2D मोशन जो है वो बेसिकली है क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, हाँ है ना,
अब ये बोल सकते हैं कि 2D मोशन जो है वो क्या है अपना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, टू वन डायमेंशनल मोशन, क्या ये चीज लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, ये लिख सकते हैं हाँ या ना, एक्स एक्सिस का अलग वाई एक्सिस का अलग। जब आप x का डील करोगे y के बारे में कुछ नहीं सोचना, जब y का डील करोगे उस समय x के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्लियर हुआ ये चीज। तो चलो यार, तो आगे जब भी हम मोशन डील करेंगे ना, जो भी प्रोजेक्टाइल अभी डील करेंगे, तो उस समय जब x के अलोंग डील करेंगे तो सिर्फ x एक्सिस की क्वांटिटी देखेंगे, जब y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो उस समय y एक्सिस के अलोंग वाली क्वांटिटी को देखेंगे, क्लियर हुआ ये चीज। चलो अब एक बार देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डेल्टा एक्स, ये एक्स टू माइनस एक्स वन को मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स को क्या लिखते हैं, डेल्टा, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज आएगा उसको किससे लिखते हैं, डेल्टा से। तो ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये डेल्टा एक्स क्या है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डेल्टा वाई क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया, हाँ ना, क्लियर हो गया। अब एक बार देखो, अगर मान लो ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एक बार देखो यहां से अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी अगर देखनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, तो क्या डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, हाँ या ना, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन सभी को पता है। तो एक बार देखो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, यानी ये किसके बराबर, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या है, ये सोचो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, ये क्या है अपना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा, क्या होगा ये होता, एक बेटा डेल्टा वगैरह का नाम तो सुन रखा है आप लोगों ने, ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही होगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, अब हमने डिफरेंशिएट के लिए अपने पास डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो ये दोनों से डिवाइड कर सकते। अब ये बताओ ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या है, ये बताओ, चेंज इन, सोचो एक बार, बिल्कुल चेंज इन वेलोसिटी नहीं, ये हमारा डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स, देखो कोई बिल्कुल ढंग से सोचोगे तो समझ आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या था और डेल्टा वाई क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी अगर हमने कर दिया तो ये क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन, आया ना, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या हम इसको लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप, या ऐसे लिख लो, ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, हाँ कि ना, ये बताओ, जो अगर v वेक्टर आएगा क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, डेल्टा x बाई डेल्टा t हमारा क्या होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, डेल्टा y बाई डेल्टा t क्या होगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, मैंने क्या लिखा इसको, वी एक्स और इसको क्या लिख दिया, वी वाई, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी, हाँ ना, क्लियर यहाँ तक, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जो आएगी वो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, जब आप x कंपोनेंट की वेलोसिटी अलग, y कंपोनेंट की अपनी वेलोसिटी अलग, दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, क्यों, क्या ये डेल्टा x इंडिपेंडेंट, हाँ ना, डेल्टा x इंडिपेंडेंट है y से, डेल्टा y इंडिपेंडेंट है किससे, x से, तो ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो होगा उस वो भी इंडिपेंडेंट होगा किससे, vy से, और vy किससे, vx से। तो यही है कि अपने पास एवरेज वेलोसिटी वी एक्स और आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, वी वाई जे कैप। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखो कि मान लो
ये हमने लिख लिया कि v वेक्टर एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप, यही है। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी एक तरह से एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और ये क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगर मान लो ये हम लोग देखें कि अगर डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो हो जाए, अगर डेल्टा t में काफी स्मॉल कर दू, तो डेल्टा x और डेल्टा y के बारे में क्या ख्याल है, वो किधर की तरफ, किधर काफी स्मॉल होगा या लार्ज होगा। मैं ये बोल रहा हूं इस वाले एक्सप्रेशन में, जब अगर डेल्टा t काफी छोटा कर दे, डेल्टा t अगर काफी स्मॉल, तो डेल्टा x और डेल्टा y वो काफी स्मॉल होंगे या लार्ज होंगे। डेल्टा t काफी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो का मतलब हो गया बहुत छोटा टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो है, तो डेल्टा x और डेल्टा y क्या होगा, काफी छोटा होगा या बड़ा होगा, काफी छोटा या फिर बड़ा। कितने लोग बोल रहे हैं बड़ा होगा, कितने लोग बोल रहे हैं छोटा होगा। एक बार देखो, कोई नहीं समझता इस चीज को, मान लो पार्टिकल ये हमारा, ये y एक्सिस हो गया और ये हमने लिया x एक्सिस। ठीक है, हमने क्या लिया था कि पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पे जा रहा था, ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे था और किसी बड़े टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, अगर मान लो ये डेल्टा t मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो किसी टाइम t इक्वल्स टू t पे वो यहाँ पे, t इक्वल्स टू t टाइम पे अगर यहाँ पे डेल्टा t जब टेंडिंग टू जीरो हुआ, यानी ये जो डेल्टा t हो गया वो वेरी स्मॉल, हाँ है ना, डेल्टा t वेरी स्मॉल, यानी हमारा जो टाइम इंटरवल है वो काफी स्मॉल है, तो काफी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या बड़ा। एक बार सोचो, ऐसे मान लो तुम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहे हो, ए से लेकर के बी तक जा रहे हो। ठीक है भाई, मान लो तुम तीन घंटे में पहुंचे, यहाँ ए से लेकर के बी तक जाने का टाइम कितना, 3 आवर। अगर मैं मान लो बोलू 0.0001 सेकेंड में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कि बहुत छोटा, छोटा ही डिस्टेंस ना भाई, जितना टाइम कम करते जाएंगे उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर बहुत कम कर दिया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम। तो अगर एक बार देखो, अगर टी प्लस टी टाइम पे यहाँ पे है, बहुत छोटे टाइम पे, मतलब टी प्लस डी टी टाइम, बहुत छोटा जो टाइम इंटरवल होता है इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो है तो इसको क्या लिखेंगे, डी टी। डेल्टा एक्स भी क्या होगा, तो इस केस में डी टी टाइम के बाद ये बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ कि ना, बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये अगर बहुत छोटा, तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट भी बहुत छोटा, हाँ कि ना। अगर वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये अगर कर्व पाथ पे अगर काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा, काफी स्मॉल। यानी हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी डेल्टा टी अगर वेरी स्मॉल है, तो डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो, जीरो है नहीं का, मतलब काफी स्मॉल होगा, हाँ कि ना। तो उस केस में जो हम लोग को वेलोसिटी मिलती है वो कौन सी वेलोसिटी मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो लिमिट, इसको लिखने का क्या तरीका रहता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। ये क्या आएगा फाइनली, तो डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप। यानी ये हमारा क्या होगा, v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये हमारी कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने लोगों को पता है, ये क्या होगा अपना कि पार्टिकल की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मान लो जैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बाइक या कार से जा रहे हैं, ठीक है, स्पीडोमीटर लगा होता है कार में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने देखा उसकी रफ्तार कितनी है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का की वेलोसिटी है।
तो वो जो 60 किलोमीटर पर आवर आया वो हमारा कौन सा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की उस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी। तो उस पार्टिकल की उस कार की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो 60 किलोमीटर पर आवर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो यही हमारा आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे dx by dt i का plus dy by dt j का। क्लियर यहां तक सभी को। चलो अब इसके बाद अगर देखें कि एवरेज वेलोसिटी हमने ये चीज देख लिया v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मान लो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है तो dv वेक्टर बाय dt dv वेक्टर बाय dt तो ये क्या आएगा अपने पास तो v वेक्टर ये रहा तो क्या लिखेंगे d ऑफ vx i कैप प्लस vy j कैप अपॉन dt। यही हमारा क्या होगा a और a वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप। ये हमारा क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन और ये क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। यही क्या होगा a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को। v वेक्टर को हमने क्या लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप a वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप। अब एक बार देखो यहां पे ये हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा डेल्टा r वेक्टर को तो डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। v वेक्टर को क्या लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखा ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है भाई ये ध्यान रख क्या रखना है अपने को कि जब भी अगर हम x डायरेक्शन के मोशन पर डील करेंगे तो हमें y के बारे में कुछ नहीं सोचना। जब y के अलोंग डील करेंगे तो x एक्सिस के अलोंग के मोशन के बारे में कुछ नहीं देखेंगे। चलो अब इसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। मान लो एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एक पोजीशन जो दे रखा है एक पार्टिकल का किसी कारण पाथ पे मूव कर रहा है r वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप। ठीक है हमें ये बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। पहला सवाल है पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। ठीक है अब एक बार देखो पहले जो हमने सीखा उसका क्या यूज है वो यहाँ पे समझ आएगा। एक बात बताओ ये पार्टिकल जो है वो कैसे पाथ पे मूव कर रहा होगा। ये पार्टिकल जो है उसका ये जो है वो कैसे पाथ पे मूव कर रहा होगा किसी एक कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये चीज देखो इस पे दो डायरेक्शन में हमने पोजीशन दिया हुआ है एक एक्स के लॉन्ग और दूसरा वाई के लॉन्ग। ये दिया हुआ एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है और दूसरा किसके लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैं अगर पूछूं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी तो अगर मुझे एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है तो क्या मैं वाई वाले के बारे में सोचूंगा नहीं। एक्स कंपोनेंट यानी अगर एक बार देखो कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन होगा एक्स के लॉन्ग वो किसके बराबर 3t स्क्वायर के। हाँ है ना और जो वाई में जो पोजीशन है वो किसके बराबर 4t। एक्स का एक्स में जो भी अगर पार्टिकल का जो पोजीशन मिलेगा वो किससे मिलेगा 3t स्क्वायर से y में किससे 4t से। क्या ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। जब हमें x में डील करना होगा उस समय y के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे जब y में देखना होगा उस समय x के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ देखो अगर मुझे vx निकालना है तो vx इक्वल्स टू क्या लिखूंगा dx by dt यही लिखूंगा dx by dt यार यही होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो vx इक्वल्स टू dx by dt क्या लिखोगे इसको तो डी थ्री टी स्क्वायर बाई डी टी। आज डिफरेंशिएशन पढ़ा आप लोगों ने क्या ये कांस्टेंट को मैं बाहर कर दूं ये कांस्टेंट बाहर डी टी स्क्वायर बाई डी टी यही आएगा। हाँ कि ना टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t किसके बराबर 6t। हाँ है ना पार्टिकल की जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर आया 6t। क्या हमने वाई के बारे में सोचा अभी तक नहीं। तो जब भी अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन डील करोगे उस समय वाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। यहां से देखो vy निकाले तो वो किसके बराबर क्या dy by dt। हाँ है ना v इक्वल्स टू किसके बराबर dy by dt।
तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर करो, डी टी बाई डी टी कितना वन के बराबर, यानी कितना आएगा फोर। अब एक बार देखो यहां से वी एक्स कितना 60, वी वाई कितना 4। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अभी देखा हमने किस कैसे लिखते थे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, हाँ कि ना, अरे ये लिखते थे ना। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना 60 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 4 जे कैप, क्या यही आएगा। अगर मुझे t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा गया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा गया है, तो पुट कर दो, तो v इक्वल टू कितना 6 into 2 12 i कैप प्लस 4 j कैप, क्या ये समझ आया आपको। ये हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल का जब हमें x में अलग से डील कर ले, y में अलग से डील कर ले, बाद में दोनों को मिला दो, क्लियर ये चीज। चलो एक सवाल लिखो और, मान लो पार्टिकल का जो पोजीशन दिया हुआ है वो दे रखा है 4t cube plus 1 i cap plus 3t square j cap या 6t square j cap। हमें velocity बतानी है at t equals to 1 second, t equals to 1 second पे velocity बतानी है। बिल्कुल देखो, x वाले को अलग छाट लो, y वाले को अलग छाट लो, इनको डील करने का यही तरीका है कि x को अलग छाटो, y को अलग छाट लो, दोनों को अलग अलग डील करो। मैंने क्या बोला देखो, इसलिए ये अलग से पहले डील करना सिखाया जा रहा है। मैंने क्या बोला कि जब आप x एक्सिस को अलग से छाटो, y एक्सिस को अलग से, x एक्सिस के अलोंग जो भी चीज है उसको अलग से लिख लो। चलो यार, ये हमारा x कंपोनेंट और ये हमारा y कंपोनेंट, हाँ या ना। x को अलग से लिख लिया मैंने, x इक्वल्स टू कितना 4t³ + 1, कैसे लिख सकता हूँ मैं। y को क्या लिखूंगा 6t², हाँ या ना। x को मैंने अलग लिख लिया, y को अलग लिख लिया। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या मुझे x कंपोनेंट चाहिए और y कंपोनेंट, हाँ है ना। v क्या होता है dx/dt, vy क्या होगा dy/dt। तो चलो यार, vx equals to किसके बराबर, तो dx/dt यही लिखेंगे, हाँ है ना। vx equals to क्या लिखेंगे dx/dt। अब अपन ने डिफरेंशिएशन तो सीख लिया था, तो क्या आएगा 4t³ + 1/dt यही आएगा, हाँ है ना। 4t³ का डिफरेंशिएशन कितना, 4t³ का डिफरेंशिएशन कितना 12t, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये vx किसके बराबर, चलो vy की बात करते हैं, 12t² vy कितना dy/dt, dy/dt कितना 6 कांस्टेंट है बाहर करो, dt² / dt यानी कितना आएगा 12t, हां है ना। तो ये 12t² कैसे कर लो डिफरेंशिएशन, एक बार देखो इधर में, d4t³/dt यही है, 4 कांस्टेंट है बाहर कर लो, dt³/dt यही आएगा। तो ये t³ का डिफरेंशिएशन कितना 3t² तो कितना आ जाएगा 12t² हां बोलो, फिर उसके बाद क्या बोलो, ठीक है ना। चलो अब एक बार देखो यहाँ से, ये कितना 12t, तो v वेक्टर को क्या लिखेंगे 12t² i कैप + 12t, क्लियर यहाँ पे, हाँ 12t i कैप + 12t j कैप ये यार ज्यादा हुआ टाइम, 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लिया, पुट कर दो v वेक्टर इक्वल्स टू कितना 12 i कैप + 12 j कैप, क्लियर यहाँ पे।